हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के क्या फायदे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के क्या फायदे हैं और आप अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के क्या क्या फायदे हैं और आप अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ अपस्टॉक या फिर जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा, हम आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। अपस्टॉक या फिर जीरोधा के द्वारा जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा हम उसके बारे में फ्री ट्यूटोरियल देंगे कैसे आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप यूज करके एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक प्रो हमने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एसबीआई पे मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सिटी में जाना है और ओसीओ पे क्लिक करना है। तो ओसीओ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बाय प्राइस डालना होगा, सपोज दैट यहाँ पे हमें बाय प्राइस डाल देता 300, यानी 300 पे इसको हमें बाय करना है। डिस्क्लोज क्वांटिटी आप जीरो रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। टारगेट्स यहाँ पे मैं 15 पॉइंट्स का डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेलिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 20 रहने दें, लेकिन अगर आप इसको 2 करना चाहते हैं या 5 करना चाहते हैं, सपोज दैट आप इसको 5 करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 कर दीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा, हर एक एक पॉइंट के मूवमेंट का आपका स्टॉप लॉस 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आपने बाय किया इसको 300 पे, तो जैसे ये 301 होगा तो जो ये आपका स्टॉप लॉस है 295 का वो इंक्रीज होके 296 पे चला जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट्स इंक्रीज होता है, ये 302 पे जाता है तो ये भी 2 पॉइंट्स इंक्रीज होके 297 पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे यही चीज 5 डालते हैं तो क्या होगा, हर एक 5 पॉइंट के मूवमेंट पे आपका स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अगर ये 305 जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ से 295 से इंक्रीज होके 300 पे चला जाएगा। अगर ये अनदर 5 पॉइंट का मूवमेंट करता है, 310 होता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस फर्दर 300 से 305 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हर एक 5 पॉइंट्स पे ट्रेल होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 1 ही डालता हूँ। तो अब इसके फायदे क्या है, इसके फायदे में यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज दैट आपने एसबीआई को बाय किया 300 पे, उसके बाद यहाँ पे इसको 10 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया, यानी 310 पे चला गया, उसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा यानी 305 पे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिक्योर हो गया। अगर ये नीचे भी आता तो आपका 305 पे ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। सपोज दैट एसबीआई चला गया 310 और मेरा टारगेट है 15 पॉइंट्स यानी 315 का, और 310 से ये सडनली फॉल करने लग गया तो क्या होगा, मेरा ट्रिगर जो स्टॉप लॉस था 305 का वो सेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रिगर स्टॉप लॉस नहीं रहता तो मेरा स्टॉप लॉस है 295 का। तो अगर ये सपोज दैट 310 से सडनली फॉल करता हुआ और नीचे गिरता तो ये क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर देता और यहाँ पे मुझे नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन ट्रिगर स्टॉप लॉस के कारण यहाँ पे मेरा नुकसान भी बच गया और वो नुकसान 5 पॉइंट्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा रेगुलरली होता है, ऐसा कई बार होता है। आप मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको ऐसा कई बार देखने को मिला होगा, क्योंकि आपका स्टॉक्स कभी पॉजिटिव में हुआ करता था 5 to 10 पॉइंट्स, लेकिन आपके टारगेट से 5 से 10 पॉइंट पहले ही वो फॉल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जाके वो स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो इस तरह का जो नुकसान होता है उस नुकसान से आप बच पाएंगे।
तो आपको अगर ये यूज करना है तो यहाँ पे आप बाई पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सारा कुछ एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने कोई चीज को पहले से बाई कर रखा है तो उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए पोजिशन में यहाँ पे कोई स्टॉक्स नहीं, यहाँ पे होल्डिंग्स में मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एनएससी बीएससी सेलेक्ट करना होगा, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी मेरा 100 था, 100 ही है। अब मुझे यहाँ पे ट्रिगर स्टॉप लॉस क्या सेट करना होगा, इसको मैंने बाय किया था 80 के करीब और यहाँ पे मुझे 92 पे है, तो यहाँ पे मुझे 12 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे इसमें कुछ अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम ऑर्डर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे एसएल मार्केट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे ट्रिगर प्राइस इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस क्या है, 80 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 87, यानी 7 पॉइंट्स का यहाँ पे मैं ट्रिगर स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, 7 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये अरविंद फॉल करता हुआ 87 पे आता है तो मेरा स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और यहाँ पे मुझे 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक्स अगर आपने पहले से बाई कर रखा तो वहां भी आप ट्रिगर्ड स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिमेरिट्स क्या है, अगर ये फर्दर इंक्रीज होकर 100 चला गया तो आपको यहाँ पे मैनुअली अपना ट्रिगर स्टॉप लॉस इंक्रीज करके 93 या 95 जो भी करना होगा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअली करना होगा। लेकिन अगर आप बाई करते टाइम ही ट्रिगर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वहां पे आपको मैनुअली नहीं करना होगा, वो हर एक 1 पॉइंट के मूवमेंट पे आपका स्टॉप लॉस भी 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता रहेगा। लेकिन अगर आप पोजिशन बनाने के बाद लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मैनुअली करना होगा। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आपके लिए सुटेबल है, उस तरह का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर आपको 10 to 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है तो उसमें आप 5 to 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप अपना सिक्योर कर लीजिए, ताकि अगर मार्केट सडन फॉल होता है तो उसमें आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपका एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे आप ट्रिगर स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं अप स्टॉक में और आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।